दोस्तों अगर आपके पास एक पुराना पीसी है उसके अंदर कोई भी ओएस लगा डालो बहुत घिस घिस के चलता है, तो अटलास ओएस एक बहुत बढ़िया जबरदस्त अल्टरनेटिव हो सकता है। तो अटलास ओएस को आप अगर 2023 में इंस्टॉल करने जाओगे ना तो इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है एकदम बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो कैसे इसको इंस्टॉल करना है सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देख लेना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करेंगे ताकि ऐसी चैनल अपलोड करता था आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखो पहले जब अटलास ओएस को इंस्टॉल करने जाते थे ना तो अटलास ओएस का आईएसओ फाइल मिल जाता, लेकिन यहाँ पे अटलास ओएस का आईएसओ फाइल मिल नहीं रहा है लेटेस्ट वाला। तो उसको आपको दो फाइल डाउनलोड करने के लिए दिया जाएगा, उस दो फाइल को देकर के कस्टमाइज आपको विंडोज खुद से बनाना है। अब कैसे बनाना है इस बिना वही तो दिखाएंगे। और ये सब चीज करने से पहले आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान में जरूर रखना है, जैसे कि आपका अभी जो विंडोज चल रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसका एक बैकअप बना के रख लेना। अब बैकअप कैसे क्रिएट करना है इसके लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, उसको आप फॉलो करके बैकअप क्रिएट करके रख लो। नेक्स्ट आपके पास एक मिनिमम 8GB पेन ड्राइव होना चाहिए। और एक और सलाह मैं देना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अच्छे से देख लो, हर एक स्टेप को समझ लो, उसके बाद परफॉर्म करना, अदरवाइज अब हो सकता है अपना पीसी को पूरा फॉर्मेट ही कर डालो। अब ये मैं बता रहा हूँ जो लोग डुअल बूट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। अगर आप डुअल बूट करना चाहते हैं तो आपको पहले से एक दूसरा ड्राइव क्रिएट करके रखना है जिसके अंदर आप अटलास ओएस को इंस्टॉल करना चाहते हो। देखो दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है विंडोज 10 डाउनलोड। फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो लिंक आएगा उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे सीधे सीधे आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको जस्ट इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर इंस्पेक्ट इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, फिर आपको मोर ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आपको नेटवर्क कनेक्शन इसको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे इसको अनचेक करना है, कस्टम इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रोम ओएस सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करना है। अब इस जगह पे आपको एडिशन सिलेक्ट करना है, फिर कन्फर्म पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, फिर कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप 32 बिट या 64 बिट जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे आप डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको rufus.ie इस वेबसाइट में जाना है और यहाँ से आपको लेटेस्ट वाला जो वर्जन है इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट आपको atlasos.net इस वेबसाइट में जाना है, फिर यहाँ पे आपको सिर्फ विंडोज 10 यहाँ पे दिखेगा, इस पे आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको AME विजार्ड और अटलास प्लेबुक ये दोनों जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिख रहा है इसको आपको डाउनलोड करना है एक एक करके। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका कुछ भी डाउनलोड नहीं होता है, यहाँ पे कोई डाउनलोड वायरस डिटेक्टिव ऐसा अगर दिखाता है, आपको जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो एंटीवायरस या विंडोज सिक्योरिटी जो है उसको ओपन करना है और सेटिंग्स में जाके आपको इसको डिसेबल कर देना है। फिर अब इसको फिर से रिट्राई करें और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा ब्राउजर को क्लोज कर दे। डाउनलोड फोल्डर में आपको यहाँ पे टोटल 4 चीजें दिखेगा, एक तो विंडोज 10 का ISO, रूफुस और अटलास का जो विजार्ड आपने किया था वो। आपको रूफुस को ओपन कर लेना है, यस पे क्लिक करना है। अब रूफुस जैसे ओपन हो जाएगा आपको अपना पीसी में पेन ड्राइव को इंसर्ट कर देना है। पेन ड्राइव इंसर्ट करते ही ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे जो विंडोज 10 का जो ISO है यहाँ पे आपको ड्रैग कर लेना है। अब ये जो MBR या GPT ये आपका पीसी जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करने से पहले आपको ये ध्यान पे रखना है आपका पेन ड्राइव में जो भी डाटा है सब कुछ उड़ जाएगा, उससे पहले आपको डाटा बैकअप कर लेना है। फिर स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट कंटिन्यू यूजर नेम ये पर डाल दीजिएगा, ये सारा ऑप्शन चेक करना है और यहाँ पे आप जो भी नाम रखना चाहते हो वो आप नाम रख सकते हैं। फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए, फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आपको इंतजार करना है जब तक ये कंप्लीट नहीं होता। अब देखो जब ये कंप्लीट हो जाएगा रेडी दिखाएगा, आपको जस्ट क्लोज पे क्लिक करना है। अब दिस पे में जाना है डाउनलोड फोल्डर में, ये जो AOME ये जो दोनों जिप फाइल आपने डाउनलोड किया था इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये दोनों एक्सट्रैक्ट हो चुका है, दूसरा एक फाइल एक्सप्लोरर में आपको पेन ड्राइव को ओपन करना है। अब पेन ड्राइव को ओपन करने के बाद ये जो आपने दो फाइल एक्सट्रैक्ट किया है सीधा यहाँ पे आपको रूट फोल्डर में कॉपी कर लेना है। अब कॉपी जैसे हो जाएगा आप फाइल एक्सप्लोरर सबको क्लोज कर दो और अभी आप अपना कंप्यूटर में शिफ्ट की को प्रेस करके रखिए और रिस्टार्ट पे क्लिक करें। अब देखो इस वाले मेन्यू पे आप जब आ जाओगे आपको यहाँ पे यूज अ डिवाइस इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस नजर आ जाएगा, लेकिन UEFI SanDisk क्रूज प्लेट ये है मेरा पेन टाइप का नाम, यहाँ पे आपको अपना पेन टाइप सेलेक्ट करना है। अब देखो इस वाले स्क्रीन पे आपको लैंग्वेज टाइम का सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब इसके बाद नॉर्मल विंडोज जैसे इंस्टॉल करते हैं आपको जस्ट इंस्टॉल करते जाना है। अब यहाँ पे देखो आप अगर डुअल बूट करना चाहते हो तो आपको वही ड्राइव सिलेक्ट करना है जिस ड्राइव में आप डुअल बूट करना चाहते हैं, अदरवाइज आप मेन पार्टीशन यहाँ पे जो है उसको आप डिलीट करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अब जैसे ड्राइव सिलेक्ट करना हो जाएगा आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा।
अब देखो पीसी जब बूट हो जाएगा आपको दिस पीसी को ओपन करना है। फाइल मैनेजर में आपको डाउनलोड फोल्डर ओपन कर लेना है। नेक्स्ट आपका ये जो पेन ड्राइव है इसको भी ओपन करना है नया एक विंडो में। अब डाउनलोड फोल्डर में अपने यहाँ पे पेन ड्राइव में जो फाइल्स कॉपी किए थे इसको आपको जस्ट डाउनलोड फोल्डर में कॉपी कर लेना है। कॉपी होते ही यहाँ पे एटलास W10 इस फोल्डर में जो यहाँ पे ये डिसेबल ड्राइवर इंस्टॉलेशन ये फाइल है इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको दिस पीसी में जाना है, फिर लोकल ड्राइव सी में आपको इस यहाँ पे बाहर में इसको पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट आपको इस फोल्डर में AME विजर्ड बेटा इसको आपको ओपन करना है। अब यहाँ पे ये जो विजर्ड है इसको आपको डबल टैप करके रन कर लेना है, यस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आप इस फोल्डर में बैक चले जाएं और यहाँ पे एटलास W इस फोल्डर में आए और यहाँ पे ये जो playbook.apbx ये जो फाइल है इसको आपको यहाँ पे ट्रैक करके छोड़ देना है। डिसेबल सिक्योरिटी इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ओपन विंडोज सिक्योरिटी इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसका जो जितना सारा ऑप्शन है आपको डिसेबल कर देना है। डिसेबल हो चुका, अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिक काम कर लेगा। अब इसके बाद यहाँ पे दिखाएगा विंडोज सिक्योरिटी इज डिसेबल्ड, आपको यहाँ पे सिंपली इसको क्लोज कर देना है। अब क्लोज जैसे करोगे यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एनालाइजिंग होगा आपको यहाँ पे इंतजार करना है। अब यहाँ पे ऐसा अगर प्रॉब्लम दिखाता है तो आपको रन एक्शन इस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपका सिस्टम प्रिपेयर होगा, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अब देखो ये सिस्टम प्रिपेयर हो चुका है, अब इसको भी क्लोज कर देते हैं, फिर से इसको रन करके देख लेते हैं। फिर से जैसे रन किया ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ये एनालाइजिंग होगा यहाँ पे दिखा रहा है रिक्वायरमेंट्स मेड, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे दिखाएगा, पढ़ भी सकते हो, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आप एग्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन विल बी अप्लाइड दिखा रहा है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इंतजार करना है। अब देखो ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको जस्ट इसको क्लोज कर देना है। देखो ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाना चाहिए था, अगर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट नहीं होता है तो आपको खुद को रिस्टार्ट कर देना है। स्टार्ट हो चुका है ना, तो यहाँ पे ये एटलास दिखा रहा है, आपको जस्ट ओके पे क्लिक करना है। अब ऊपर में आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, ऊपर वाला ये जो पासवर्ड है वो यहाँ पे बिल्कुल खाली रहेगा, फिर नीचे आपको पासवर्ड डालना है जो आप रखना चाहते हो। नेक्स्ट आपको पासवर्ड रिपीट करना है, फिर यहाँ पे आप इस बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे दिखाएगा पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड, आपको ओके पे क्लिक करना है। अभी आपका जो कंप्यूटर है कम्प्लीटली यहाँ पे कंप्रेस्ड हो चुका है और अभी अपना पीसी में अपने एटलास OS को इंस्टॉल कर लिए है। आपने अगर सब कुछ सही से किया होगा तो आपका भी पीसी में एटलास OS कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका होगा। तो चलिए दोस्त, उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज बिल्कुल लाइक कीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपके साथ कोई दूसरा टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।